गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसेल के बारे में पढ़ चुके थे, ऑर्बिटल के बारे में पढ़ चुके थे, ऑर्बिट के बारे में पढ़ चुके थे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है ये बात भी हम जान चुके थे। आज हम जानेंगे क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है, कौन सा क्वांटम कोई ऑर्बिटल दे देगा, सेट दे देगा, कहेगा ये सेट पॉसिबल है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्वांटम नंबर सीखेंगे, क्वांटम नंबर होते क्या है हम इसको डिफाइन करेंगे। क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ फोर नंबर, जो क्वांटम नंबर है वो सेट है फोर नंबर का। क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ फोर नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये चार नंबर का सेट है और इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का घर पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का हम रेजिडेंस जानना चाहते हैं कि वो रहता कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, तो ये सब इंफॉर्मेशन कौन देगा, कौन देगा, क्वांटम नंबर देगा। क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ फोर नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे उसको क्या बोलते हैं, हमें क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो चार की बात की तो मैं नंबर वाइज बताऊं, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या करता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि मेन सेल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मेन सेल, कि मेन सेल कौन सी है इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में बताता है। एनर्जी लेवल है, कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मींस ये वाली बात बताते हैं। बड़े ध्यान से समझना भाई, क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये न्यूक्लियस मान लीजिए, पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये फोर्थ सेल है, इसको क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के सेल में प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन एल सेल में प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन एम सेल में प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन एन सेल में प्रेजेंट है। ये बात हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हमें मान लीजिए आपका एड्रेस जानना है, तो आपके गांव के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आपका गांव कौन सा है, मेन बात ये है। तो ये सबसे पहले मेन बात ये है कि इसका गांव बता देगा, मीन्स ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में पाया जाता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता सकते हैं आप, कितनी एनर्जी होती है, कितनी दूर है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्टेंस भी बताता है कि न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है। आप सेल के बारे में जानते हैं, आर एन इज इक्वल टू ए नोट जेड स्क्वेयर, ए नोट आपने पढ़ा था, जेड स्क्वेयर न्यूक्लियस के मीन्स एन स्क्वेयर नंबर ऑफ सेल, ए नोट के वैल्यू हम जानते थे कांस्टेंट था, नंबर ऑफ सेल, पहले सेल की एनर्जी, दूसरी की एनर्जी, तीसरी की एनर्जी, फोर्थ की एनर्जी आप बता सकते हैं, मींस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है न्यूक्लियस के, अगर कह दें इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में है या फोर रखेंगे, इसी गुणा करेंगे और कह देंगे कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतनी दूर है, मींस डिस्टेंस भी बताता है, एनर्जी भी बताता है। एनर्जी आपने कौन से फॉर्मूले से, En is equal to 2 pi square m e की पावर 4 n square h square, एनर्जी का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 pi square m e की पावर 4 m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n square h square,
अगर दूसरी सेल की एनर्जी जानना है तो उनकी जगह क्या रखेंगे, दो रखेंगे। तीसरे सेल की एनर्जी जानना है तो उनकी जगह कितना रखेंगे, तीन रखेंगे। बाकी कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जानता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जानता है, एच की वैल्यू तो जानता है, पुट करेगा आंसर आएगा। मीन्स इस सेल से कि इलेक्ट्रॉन इस सेल में इतनी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर दूसरी सेल की एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस बताना हो तो भी बता सकता है एनर्जी का, ठीक है। तो क्वांटम नंबर का सबसे मेन काम क्या हो गया, ये क्या बताता है, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। मेन सेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहली सेल में प्रेजेंट है, दूसरी सेल में प्रेजेंट है। मीन्स गांव का नाम बता दिया, ये नहीं बताया कि घर कौन सा है, इसने ये नहीं बताया कि घर कौन सा। गांव में बहुत सारे घर होते हैं, तो इस सेल में भी बहुत सारे घर होंगे, इस सेल में बहुत सारे घर होंगे, इस सेल में भी बहुत सारे घर होंगे, उनके बारे में अभी नहीं बताया। इसने ये बता दिया कि हाँ उस गांव में मिलेगा, मैं ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। वो जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो इस टाइप से होता है, जो लोएस्ट सेल होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ये एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है, जिसके के एन एम एल एन और एम, या फिर पांचवी सेल है, फिर फोर्थ सेल, फिर थर्ड सेल, फिर सेकंड सेल, फर्स्ट सेल। मींस जो न्यूक्लियस के पास जो सेल है उसका एनर्जी सबसे कम होता है। आगे की बात समझ में, नेक्स्ट इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल। और ये बात भी बता दी कि किसी प्रिंसिपल सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो फॉर्मूला दिया 2n2। किसी सेल में मींस मेन सेल में किसी गांव में कितने घर हो सकते हैं, वो गांव के अकॉर्डिंग बता दिया कि 2n2 कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n2। दूसरी सेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी सेल है तो कितने 32 इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप से वो बताता गया 18 इलेक्ट्रॉन आएगा तीसरी सेल के लिए 2n2, क्योंकि तीन का स्क्वायर कितना, 9 × 18, तीसरी सेल में 18, फोर्थ में 32, ऐसे चलते गए। इलेक्ट्रॉन बता दिए उसने कि मेन सेल में इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला बोर मॉडल दे दिया था। नेक्स्ट दूसरा क्वांटम नंबर, पहले क्वांटम नंबर के बारे में आप समझ गए, मैं एग्जाम्पल से बाद में चारों के साथ समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझते जाना। एंगुलर मोमेंटम और एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर, एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में बताते हैं जनरली, ये बताते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कितनी लाइन का स्पेक्ट्रम देगा, ये इस तरह की बातें बताते हैं। पहला बताते हैं नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल, नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन मेन सेल, कि मेन सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितनी है। मान लीजिए मैंने बता दिया आपका घर, बता दिया कि मकान नंबर 145, पप्पू का मकान नंबर कितना है 145, लेकिन इसके अंदर भी तो घर होंगे, रूम होंगे, इसके अंदर भी तो कंपार्टमेंट बना रखे होंगे इस घर के अंदर, तो मुझे बताना पड़ेगा कि पप्पू कौन से रूम में सो रहा है, रूम नंबर 2 में सो रहा है, इसमें मान लीजिए इतने कंपार्टमेंट हैं, तो ये रूम नंबर भी बताना पड़ेगा कि बाकी घर में और रहते हैं लेकिन पप्पू इस समय इस रूम में सोया हुआ है, रूम नंबर 2 में।
तो मींस सब सेल के बारे में बताता है, मेन सेल हो गई, घर हो गया मेन सेल, किस घर में रहता है। अब इस घर में भी और कंपार्टमेंट बने होंगे, छोटे छोटे रूम होंगे, ऐसा तो नहीं कि घर में एक ही रूम है, बहुत सारे रूम होंगे। तो बताना पड़ेगा हमें कि पर्टिकुलर हमें दिशा देनी पड़ेगी कि हाँ इस रूम में रहता है। आई बात समझ में? तो किसके बारे में बताता है, मेन सेल में कितने घर प्रेजेंट, मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के रहने की। दूसरा एंगुलर मोमेंटम बताता है, एनर्जी ऑफ सबसेल बताता है, और द शेप ऑफ द सबसेल, सबसेल का शेप भी बता देता है, हमें पता चल जाएगा कौन सा सबसेल है। अब एग्जांपल से समझते हैं, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे, एजियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा, अगर मान लीजिए फोर फर्स्ट सेल की मैं बात करूं, फोर फर्स्ट सेल मेन सेल है, मान लीजिए फर्स्ट सेल है, एन इज इक्वल टू वन है, या फिर के सेल की बात करूं, तो उसके लिए एल का वैल्यू कितना होगा, एल का वैल्यू जीरो होगा, ओनली वन वैल्यू, एल कैन हैव ओनली वन वैल्यू, एल कैन हैव ओनली वन वैल्यू, दैट इज एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू जीरो, एल का एक वैल्यू होगा, उसको हम एल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। मींस जो पहली सेल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली सेल है एन इज इक्वल टू वन या फिर के, इसमें कितना घर है, एक ही घर है, ये एक ही रूम है इस घर में, इस घर में कितना रूम है, एक ही रूम है। दूसरा अगर बात करें फोर सेकेंड सेल, एन इज इक्वल टू टू और के एल, फिर या एल सेल की या दूसरी सेल की, और एल सेल की बात करें तो एल कैन हैव टू वैल्यूज, एल इज इक्वल टू जीरो एंड वन, एल की दो वैल्यू पॉसिबल है, एल इज इक्वल टू जीरो एंड वन। इतनी बात समझ में, एल इज इक्वल टू जीरो और वन, मीन्स इस मेन सेल में दूसरी जो मेन सेल है इसमें कितने घर हैं, दो घर हैं, इसमें कितने घर हैं, दो घर, मीन्स दो सब सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऐसे ही आपको सो एल इज इक्वल टू अगर तीन है तो एल कैन हैव थ्री वैल्यूज, एल इज इक्वल टू जीरो वन टू, ठीक है, तीन वैल्यू हो गए। आई बात समझ में? तो इस टाइप से हम चलते गए, तो हमने डिसाइड कर दिया कि एल की वैल्यू अगर जीरो है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, तो उस समय जो सबसेल होगा उसका नाम निकाल दिया, इसका एस सबसेल होगा। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एस में इलेक्ट्रॉन है, एल की वैल्यू वन है तो पी में इलेक्ट्रॉन है, एल की वैल्यू टू है तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एल की वैल्यू तीन है तो इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में है। एस पी डी एफ ये ब्लॉक होते हैं एलिमेंट के, ये हम तीसरे यूनिट में जानेंगे कि एस पी डी एफ ब्लॉक, इसी में जान लेंगे थोड़ा सा आगे चल के कि अगर एल की वैल्यू जीरो कहूं तो मैं इलेक्ट्रॉन कौन सी सबसेल में है, एस सबसेल में, एल की वैल्यू वन कहूं तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सबसेल में है, पी सबसेल में, एल की वैल्यू टू कहूं तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सबसेल में, डी सबसेल में। उस घर का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन का एल का वैल्यू दो है तो उस घर का नाम क्या है, उस रूम का नाम क्या है, डी एल का वैल्यू तीन है तो उसका नाम क्या है, उस रूम का नाम क्या है, एफ है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, मैं जो बोल रहा हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। और एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, कि एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका है। एल की वैल्यू हम जानते हैं, एल की यहां रखेंगे, एच की वैल्यू पता है, टू पाई की वैल्यू पता है।
ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में कि दो क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। कि अब मान लीजिए मैं कहूं n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कौन सी ऑर्बिटल में है, सेकंड सेल में है, तो l का वैल्यू कितना होगा, जीरो और वन। अगर n दो है तो l क्या होगा, जीरो और एक, क्योंकि दो घर है इसमें दूसरी सेल में। तो इसको इस घर का, इस रूम का क्या नाम है, s, और इसका क्या नाम है, p। इलेक्ट्रॉन s और p ऑर्बिटल में है। आपने सब सेल पढ़ी थी s और p ऑर्बिटल, इनमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं ये बात बता चुके थे, एक बार फिर बता देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, इतनी आज हम ये दो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, बाकी दो को हम कल पढ़ते हैं। और एग्जांपल के साथ मैं एक बार इनको रिपीट भी करूंगा कल, फिर एग्जांपल के साथ हम और पढ़ेंगे। धन्यवाद भाई।